धन्यवाद अध्यक्ष जी, मुझे आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको दिल से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, देश के स्वतंत्रता के इतिहास में ये पहला मौका और पहला अवसर आया है कि जो संसदीय कार्य दो नारी शक्तियों का साक्षी रहा। इस बजट सत्र के पहले दिन हमारे श्रद्धेय माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अभिभाषण और अगले दिन अमृतकाल के बजट को हमारी वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को हम सबने सुना। और ऐसे हमारे शास्त्रों में बोला गया है, यत्र नारी पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। और नारी शक्ति का ये जो अध्याय हमारे 75 साल के हिस्ट्री में पहली बार हम सबको देखने का मौका मिला। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पहले दिन से सभी देशवासियों की जीवन सुधारने में, कुशासन से पैदा हुए उनकी मुसीबतों को दूर करने के लिए समाज की आखिरी पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित है। लेकिन महोदय, इस राष्ट्रपति जी का भाषण के ऊपर बहुत चर्चा हुआ, हमारे विरोधी लोग भी बहुत कुछ बोले। हमने भारत जोड़ो यात्रा की भी चर्चा हुई, तब मुझे याद आया 1947 में जब मेरे दादाजी अपने तभी जन्मे हुए बेटे को लेकर, मेरे पिताजी को लेकर गोद में उठाकर जब पूर्व पाकिस्तान से इधर आए थे, तब अगर ये भारत जोड़ो यात्रा किसी ने किया होता कांग्रेस की तरफ से, तो मेरे परिवार को ये दुख भरी समय उठाना नहीं पड़ता था। तब जरूरत थी इस भारत जोड़ो यात्रा की, आप जरूरत नहीं है भाई साहब। अध्यक्ष जी, अभी भारत पूरा जोड़ा हुआ है। हमने सुना करप्शन के बारे में बात किया गया, कौन बात कर रहा है, वो टीएमसी के सांसद जिसके पूर्व शिक्षा मंत्री एडुकेशन मिनिस्टर आज जेल में है, जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जेल के अंदर बैठा हुआ है, उनके पास से हमें सुनना पड़ रहा है कि हमारा सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रहा है वो करप्ट है, उनके मुंह से सुनना पड़ रहा है। वहां पे शिक्षकों की जो नौकरी है वो बेचा गया, कागज दिखाया गया। मैं भी एक कागज इस हाउस में दिखाना चाहता हूं, एक कंपनी का एक बैलेंस शीट है, कंपनी का नाम है लिप्स एंड बाउंड प्राइवेट लिमिटेड। मेरे पास भी ये आया है सभापति महोदय, इसमें देखा जा रहा है कि एक साल के अंदर कौन मालिक है इस कंपनी का, हमारे विपक्ष पे जो दोस्त बैठे हुए हैं हमारे तृणमूल कांग्रेस के, उनको मालूम है सबसे अच्छा कि कौन मालिक है इसका। इसमें दिखा जाएगा तो एक साल के अंदर जिस कंपनी का टर्नओवर 86 लाख था महज, वो एक साल के अंदर बढ़कर 7 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। ये कौन सा मैजिक है? आप मैजिक की बात कर रहे हैं तो हमने सोचा एक मैजिक हम भी पश्चिम बंगाल से दिखा दे। जो दल पहले क्लेम करता था कि उनके सर्वोच्च नेत्री जो है वो ऑनेस्टी का सिंबल है, आज उनके परिवार के ऊपर पेपर में छप रहा है और कोई कोर्ट नहीं जा रहा है कि 35 से ज्यादा प्लॉटों की मालिक है वो पूरा परिवार। सोशल वर्क करके करोड़ों संपत्ति का मालिक बन गया, वो हमें हमारे ऋषि तुल्य प्रधानमंत्री जी को सिखा रहे हैं कि ऑनेस्टी क्या है, चोर कोतवाल को डाके डाटे। जो भारत प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है उसको रुकावट करने की कोशिश है। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के लिए समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया के समस्याओं का समाधान कर रहा है और समस्याओं समाधान का माध्यम बन रहा है। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कभी हम कामना करते थे, सपना देखते थे, वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश में बनना शुरू हुआ है। आज भारत एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार कर चुका है अपने देश में जिससे विकसित देश भी प्रेरणा ले सकते हैं। बड़े बड़े घोटाले 2G 3G से लेकर जीजाजी तक जितने घोटाले होते रहे, सरकार उसमें डूबी रहती थी, आज उस घोटालों से निकलकर सरकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार के जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था वो मुमकिन आज देश के का सामने आ रहा है, वो आज देश के सामने हो रहा है। पॉलिसी पैरालिसिस की जो युग था, जिस डिकेड में हम पॉलिसी पैरालिसिस में जूझ रहे थे, वहां से आज देश निकलकर सामने बढ़ रहा है। हम एक तरफ जैसे राम मंदिर तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षा हुए क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा बैकबोन होता है। स्वामी विवेकानंद बोले हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन।
उस शिक्षा को भी हमारे केंद्र सरकार ने आगे ले जाने की कोशिश किया। 2014 तक इतने सालों में जहां तक 725 यूनिवर्सिटी बने थे, आज ये 8 सालों के अंदर हमने 300 विश्वविद्यालय 300 यूनिवर्सिटी बनाए हैं। आज राज्यपाल के ऊपर प्रश्न उठ रहा है, क्या प्रश्न उठ रहा है, बोला जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कभी राज्यपाल राज्य सरकार के साथ अनबन में चली जा रही, क्यों ना जाए चेयरमैन साहब? आप यूजीसी का रूल्स कैसे वायोलेशन कर सकते हैं? आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है, हो सकता है, लेकिन कौन चैंसलर है? चैंसलर महामहिम राज्यपाल है। आप राज्यपाल से पूछे बिना 24 यूनिवर्सिटी में आपने भीसी बना दिया। किनको भीसी बनाया? कॉलेज के प्रोफेसर, कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनको उठा के आपने भीसी बना दिया। यूजीसी रूल्स रेगुलेशन क्या बोलते हैं? यूजीसी रूल्स रेगुलेशन बोलता है कि एक व्यक्ति जो प्रोफेसर रैंक पे 10 साल पढ़ा चुका है यूनिवर्सिटी में, वही बन सकता है यूनिवर्सिटी का भीसी। लेकिन एक कॉलेज के प्रिंसिपल, उनका बेसिक पे अगर देखे सेम है, लेकिन क्वालिटी सेम नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना पब्लिकेशन के प्रिंसिपल बन सकता है, लेकिन कोई बिना पब्लिकेशन के, बिना रिसर्च के कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता। आप ऐसे व्यक्ति को विश्वविद्यालय के सिर पे बिठा रहे हैं जो अभी जेल में है। चेयरमैन साहब, हमारे जो शिक्षा मंत्री, प्राक्तन शिक्षा मंत्री, एक्स एजुकेशन मिनिस्टर, मेरे सेम यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए, मेरे साथ अल्मा मैटर है मेरा, एक ही साथ दोनों एडमिशन लिए थे। आज वो जो यूनिवर्सिटी का वीसी जेल के अंदर है, वीसी जिनके हाथ से हमने पीएचडी ली, पीएचडी डिग्री ली, आज कैसे ऐसे नौबत क्यों आ गई? पश्चिम बंगाल में जैसे राज्य में जहां पे हम एजुकेशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, अतीश दीपंकर के समय से हमने टीचर भेजे, तिब्बत गए टीचर हमारे पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, बंगाल पूरे दुनिया में टीचर भेजा, आज उस टीचर की नौकरी को बेचा जा रहा है। और उस बेचने में, खरीदने में कौन अभी जेल के अंदर है? सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर नहीं, उनके साथ पूरा तामझाम जाएगा, और तृणमूल कांग्रेस के जो सेकंड इन कमांड है वो भी जेल के बाहर बैठे हुए है। आज नहीं तो कल अंदर जाना पड़ेगा। ये सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो चोरी करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, उसको अपना अंजाम तक लेके जाएंगे हम। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने, कुछ लोग बोलते थे हम सिर्फ मंदिर बनाते हैं, मंदिर नहीं बनाया हमने। उसके साथ 2014 के बीच 100 मेडिकल कॉलेज, 4 से 2014 के बीच, एक दो मिनट सर, 14 के बीच 145 मेडिकल कॉलेज खुले थे, वहां हम 14 से 22 तक 260 मेडिकल कॉलेज खोल चुके। हमने आईआईटीज खोले, एआईएम खोले, ट्रिपल आईआईटीज खोले, और शिक्षा को आगे ले जाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाया। आज यहाँ पे आरएसएस के ऊपर बात हुआ, मैं कंक्लूड करता हूँ सर। मैं अपने क्षेत्र का एक आदिवासी लड़के के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ सर, उसको बात करके मैं समाप्त करूंगा दो पंक्तियों के साथ। एक आदिवासी लड़का 1971 में जब पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ा था, तो उस समय हमारे जो वहां पे जवान थे, 3 जवान थे सिर्फ पोस्ट में, तो उनको हेल्प करने के लिए जब खान आर्मी अंदर घुस रही थी इंडिया के बीच, तो सारे लोग गांव के भाग रहे थे। वहां पे एक लड़का जो आरएसएस के शाखा का मुख्य शिक्षक था, चुरका मुर्मू उनका नाम, और हमारे राष्ट्रपति जी का सेम सरनेम है, उस बंदे ने हमारे उस 3 जवानों के साथ गोली का बक्सा सिर में लेके लड़ाई किया, सामने गया, जब तीनों सरेंडर कर दिए खान सेना के सामने, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, बोला कि मैं गोली का बक्सा पानी में फेंक दूंगा, पानी में फेंकने के लिए गया। 18 अगस्त दिन याद रखिएगा, उनको गोली मारा गया, वहां पे वो शहीद हो गए। जस्ट कंक्लूडिंग, जस्ट वन मिनट। वो आरएसएस का निक्कर पहने हुए था, खाकी निक्कर पहने हुए था, इसलिए आज तक उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया गया। आज नरेंद्र मोदी जी के समय में ऐसे वंचित लोगों का जो हम आगे ले रहे हैं, इसलिए मैं अपना वाक्य 2-4 पंक्तियों से खत्म करना चाहूंगा। नेता विश्व महान हमारे मोदी जी, भारत माँ की शान हमारे मोदी जी, नेता विश्व महान हमारे मोदी जी, भारत माँ की शान हमारे मोदी जी। मोदी जी मानवता के रक्षक है, मोदी जी हम सबके संरक्षक है, मोदी जी कुशल प्रशासक है, मोदी जी सबसे अच्छे शिक्षक है, रक्त सबका धान हमारे मोदी जी, भारत माँ की शान हमारे मोदी जी, भी नेता विश्व महान हमारे मोदी जी। शिव कुमार बिलग्रामी जी, क्या ये दो लाइनों के साथ मैं अपना समर्पण समर्थन करता हूँ।